हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस फूडी। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके पास टेस्टी एंड हेल्दी सा रेसिपी लेके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। सो इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट डोसा लेके आई हूँ, और मैं ये चावल, एक कटोरी चावल के आटे से मैंने ये बनाया है, और आधा कटोरी सूजी से। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डोसा मैंने बनाया है, सिर्फ एक कटोरी चावल और आधा कटोरी सूजी से। बहुत सारे डोसे बन जाते हैं, 50+ डोसे इतने में बन जाएंगे। ये देखिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 आलू लिया है, 1 बीटरूट लिया है और 2 मिर्ची लिए हैं। आप चाहें तो अनियन डाल सकते हैं, बट मैंने अनियन नहीं डाला है, बिकॉज बहुत से लोग विदाउट अनियन खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये ब्रेकफास्ट विदाउट अनियन बनाया है। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आप इसको डिनर में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको ये देखिए मैं इसमें टमाटर अभी बारीक चॉप कर रही हूँ। इसको बहुत ही बारीक काटना है, मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा होगा तो हमारे डोसे अच्छे नहीं बनेंगे और टमाटर अच्छे से पकेंगे नहीं, इसलिए हम इसको बहुत बारीक चॉप करेंगे। और मैंने आलू को छील लिया है और बीटरूट को भी छील लिया है, छील के वॉश कर लिया है। सो ये देखिए मैं टमाटर मैं काट दिया है मैंने, बस थोड़ा सा बचा है। टमाटर काटने के बाद हम इसको एक बोल में रख लेंगे, और फिर आलू और बीटरूट को हम घिस लेंगे। हम इन्हें चॉप नहीं करेंगे, बिकॉज आलू और बीटरूट बारीक चॉप नहीं हो पाएंगे। और मिर्ची को भी हम चॉप कर लेंगे। देखिए कट हो चुके हैं, अब मैंने इसको बोल में रख लिया है। अब इसको मैं आलू को घिस लूँगी और बीटरूट को भी मैं घिस लूँगी। आलू को घिस के हम वॉश करेंगे और बीटरूट को घिस के वॉश नहीं करेंगे। और आलू को मैंने पहले भी वॉश कर लिया था, लेकिन घिसने के बाद और वॉश कर लूँगी कि अच्छे से ये साफ़ हो जाए, इसलिए। और बीटरूट को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप ना करें इसे वॉश। ये देखिए ये भी मैंने घिस लिया है, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे। ये देखिए मैंने एक भगोनी में 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, और आधा कटोरी रवा लिया है मैंने, आधा कटोरी। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। मैंने 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। अब मैंने ये टमाटर डाल दिया है, और आलू और बीटरूट भी डाल दिया है घिसा हुआ। अब हम इसमें मिर्ची काट के डाल देंगे, और हम इसमें वाटर डालेंगे। बहुत स्लोली स्लोली डालना है कि लम्स ना हो, और इसको 5 मिनट तक फेंटेंगे। अच्छी तरीके से हमें फेंटना है इसे। ये इंस्टेंट डोसा बन रहा है, इसलिए हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट तक रख देंगे। हम इसे 1 दिन या 2 दिन नहीं रखेंगे, 12 घंटे नहीं रखेंगे, हम इसे 15 मिनट सिर्फ रखेंगे रेस्ट करने के लिए, अच्छे से फैट के। अभी मैं इसको धीरे धीरे पानी डालूँगी, और ये बहुत पतला होना चाहिए ये बैटर, मोटा नहीं होना चाहिए, वरना क्रिस्पी डोसा नहीं बनेंगे। तो इसको क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए हमें पतला बैटर रखना पड़ेगा, और हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 मिनट रख देंगे। ये मैंने अच्छे से तरीके से इसको घोल लिया है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा डोसा कैसा दिख रहा है, हमारा ये बैटर कैसा दिख रहा है। इसी तरीके से आपको बैटर बनाना है, और इतना ही पतला होना चाहिए। ये मैंने तवा चढ़ा दिया है, डोसा तवा, और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हमें ठंडे में नहीं डालना है, धुआँ निकलने लगे तभी डालें आप, और साइड से डालना है। डोसा डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोगों का डोसा अच्छा नहीं बन पाता, बिकॉज वो बीच से स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टेंट डोसा हमें, और रवा वाला और ये चावल के आटे वाला डोसा हमें साइड से डालना रहता है। और इसमें जो ये होल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जगह जगह खाली है, वो अच्छी बात है। खाली है तो वो खाली होगा तभी क्रिस्पी डोसा बनेगा और अच्छा लगेगा देखने में, पूरा फिल नहीं कीजिएगा। और हम ऑयल डाल देंगे 1 मिनट बाद, डोसा डालने के 1 मिनट बाद ऑयल डालना है हमें। और ये देखिए उसके बाद 2 मिनट और पकाना है, मींस 3 मिनट में डोसा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेंगे पर एक बार कि गोल्डन ब्राउन हो गए कि नहीं, और साइड से वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए पकने के बाद, कच्चा रहेगा तो नहीं होगा, ये पक जाएगा तो ईज़िली रिमूव हो जाता है। ये देखिए अच्छे से निकल चुका है ये हमारा डोसा,
कितना क्रिस्पी है देखने में ही पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाइए और ऐसा डोसा बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका डोसा कैसा बना। मुझे कमेंट्स आपके पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो गाइस अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा रेसिपी और आपके डोसे भी अच्छे बने तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट। नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना, हाय ऐसे ना, हाय ऐसे ना खुद गर्ज बना कीजिए। ऐ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। लव यू सो मच गाइस, बाय।